दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दूध में बादाम का तेल डालकर पीने के फायदों के बारे में बताएंगे। दूध और बादाम का तेल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनसे होने वाले फायदे भी बढ़ जाते हैं। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है। ये हमारे जिस्म को गिजाइत देने के साथ साथ हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। हमारी खुराक में शामिल गिजा में दूध वो वाहिद मशरूब है जिसमें तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। यही वजह है कि दूध एक मुकम्मल गिजा का काम देता है। दूध में कैल्शियम भरपूर मकदार में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध के फायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गिलास दूध में एक चम्मच बादाम का तेल मिलाकर पीना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? अगर आप एक गिलास दूध में एक चम्मच बादाम का तेल मिलाकर पीते हैं तो इससे आपको सेहत से मुतल्लिक बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीने के फायदों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीने से ये चेहरे की झुर्रियों, कील, मुहासों, छाइयों और दाग धब्बों को खत्म करने में मदद करता है और इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। अगर आप आंखों के गिर्द स्याह हल्कों की वजह से परेशान रहते हैं तो आपको रोजाना दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपको आंखों के गिर्द स्याह हल्कों से छुटकारा मिल जाएगा। दूध और बादाम के तेल में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन होती है जो बालों का झड़ना रोकते हैं। बालों की खुश्की भी खत्म हो जाती है और इन्हें लंबा, घना और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करने से बालों को गिजाइत मिलती है। बाल मजबूत होने के साथ साथ नरम, मुलायम और चमकदार भी हो जाते हैं। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मकदार में होने की वजह से ये हड्डियों को मजबूत करता है। बादाम के तेल में मैगनीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये हड्डियों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। दूध में बादाम का तेल मिलाकर रोजाना पीने से गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ कमजोर होकर टूटने लगती हैं, बहुत ही मुफीद होता है। दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीने से दिमागी ताकत बढ़ती है और इसके इस्तेमाल से दिमागी कमजोरी और दिमागी खुश्की भी दूर हो जाती है। नजला, जुकाम, खांसी और वायरल इन्फेक्शन वगैरह होने पर दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीना काफी फायदेमंद होता है। ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीने से अम्ले इन्हाजाम मजबूत होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, पोटाशियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा मकदार में होने की वजह से ये पेट से मुतालिक बीमारियों जैसे कब्ज, बदहजमी, आंतों में सूजन से राहत दिलाता है और आंतों की खुश्की को भी दूर करता है। दूध में बादाम का तेल मिलाकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है और पट्ठों के दर्द से भी राहत मिलती है। रात का खाना खाने के एक घंटा बाद आपने एक गिलास नीम गर्म दूध में एक चम्मच बादाम का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाकर पी लेना है। इसका इस्तेमाल करने से आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।